अहेरी तहसील के जुमलगट्टा के महावितरण के कर्मचारी अपने प्राणों की परवाह न करते हुए बरसात के मौसम में पानी के बीच से जाकर विद्युत आपूर्ति को सुचारू रूप से शुरू किया। परिसर के नागरिकों ने उनकी इस कार्य की सराहना की। अहेरी तहसील के जिमलगट्टा के महावितरण के कर्मचारी रवि अंजारी, नितिन टेकाम, संजय कोठारकर, कनिष्ठ अभियंता मंगेश शेडमा के तथा आउटसोर्स कर्मचारी रवि कुमार इमुडला, अनिल गुमा से इन्होंने पानी में जाकर विद्युत आपूर्ति को शुरू किया। इन सभी विद्युत महावितरण के कर्मचारियों ने अपने प्राणों को धोखे में डालकर विद्युत आपूर्ति शुरू करने के लिए 24 घंटे काम कर रहे हैं। गढ़चिर जिले में पिछले कई दिनों से शुरू रहे मूसलाधार बरसात के कारण गढ़चिर जिले के सभी तहसील में लगभग बाढ़ जैसी स्थिति निर्माण हो गई है। आलापल्ली विभाग के अंतर्गत आने वाले विद्युत वितरण केंद्र के जिमलगट्टा से देचिल पेठा जाने वाले 11 केवी लाइन लंगागुड़ा जंगल में आए नाले पर बाढ़ आने की वजह से इस बाढ़ में 2 11 केवी लाइन के लोहे के पुल बह गए और कृष्णपुर गांव के बाहर एक बड़ा पेड़ गिरने से 10 पोलों के तार टूट गए, जिसके कारण देचिल पेठा परिसर में विद्युत आपूर्ति खंडित हो गई थी। और ऐसे मौके पर विद्युत आपूर्ति को सुचारू रूप से शुरू करना कठिन रहने के बावजूद जिमलगट्टा के कनिष्ठ अभियंता मंगेश शेणमा के लाइनमैन रवि बंजारी, नितिन टेकाम, संजय खोडारकर, आउटसोर्स कर्मचारी रवि कुमार इमुडला, अनिल गुमासे ने अपने प्राणों की परवाह न करते हुए लंकागुंडा के नाले के बाढ़ में से जाकर पोल खड़ा कर विद्युत आपूर्ति शुरू किया। और अतिशीघ्र विद्युत आपूर्ति शुरू किए जाने पर महावितरण के कर्मचारियों का देचिल पेठा परिसर के नागरिकों ने मन से आभार व्यक्त किया। सिटी के लिए हमारे विशेष प्रतिनिधि सेवा वाकड़ो तपावर की रिपोर्ट।